स्क्रीन ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। कांग्रेस इन दिनों अपने अंतर्कलह से निपटने और नई सियासी जंग के लिए तैयार होने की कवायद में जुटी है, लेकिन सच यह है कि साल 2024 की सबसे बड़ी सियासी जंग यानी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की धरातल पर कोई तैयारी नहीं है और न ही उसकी आगे की राह आसान नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस में अभी स्थायी अध्यक्ष की ही खोज चल रही है। वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत अक्सर खराब रहती है, ऐसे में वो चाहती है कि पार्टी को जल्द ही नया अध्यक्ष मिल जाए। हालांकि माना यही जा रहा है कि राहुल गांधी फिर कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन जो खबरें हैं उसके मुताबिक कई वरिष्ठ कांग्रेसी राहुल को जिम्मेदारी देने के पक्ष में नहीं है। वो ये चाहते हैं कि सोनिया गांधी ही अध्यक्ष के पद पर बनी रहे, लेकिन ऐसा लंबे समय तक संभव नहीं है। लिहाजा सवाल यही उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के बाद क्या फिर राहुल या उनकी बहन प्रियंका के इर्द गिर्द ही घूमेगी? क्या वंशवाद से कांग्रेस कभी बाहर निकल पाएगी या नहीं? सवाल ये भी है कि वंशवाद क्या सिर्फ कांग्रेस में है? बीजेपी भी क्या अब वंशवाद की ओर नहीं बढ़ चली है? आज इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके छत्तीसगढ़ की, जहां आदिवासी एक्सप्रेस फिर चल पड़ी है। दरअसल प्रदेश में 3 साल बाद यानी 2023 में होने वाले विधानसभा के आम चुनाव के लिए बीजेपी से आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठी है। कहा यह भी जा रहा है कि प्रदेश में अभी जो पार्टी के कर्ताधर्ता हैं उनसे कई भाजपाई खुश नहीं है। मतभेद इतने ज्यादा हैं कि कमान किसी और के हाथ पे चली जाए, इसलिए आदिवासी सीएम का शोर उठा है। वैसे इस बीच सवाल यह भी उठ रहा है कि बीजेपी की देखा देखी क्या कांग्रेस में भी इस तरह की कोई मांग उठेगी या सब कुछ सामान्य ही रहेगा? आज इस पर हम चर्चा करेंगे जनता मांगे जवाब में। आज के मुद्दे फिर चली आदिवासी एक्सप्रेस। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आदिवासी एक्सप्रेस का मुद्दा गर्मा गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय और रामविचार नेताम ने आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग कर प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी है। वहीं इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इससे किनारा कर लेना बेहतर समझ रहे हैं, जबकि कांग्रेस इसे विपक्ष का आंतरिक मामला बता रही है। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि जो आदिवासी एक्सप्रेस चली है, क्या कांग्रेस का भी उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? इसलिए सत्ताधारी दल इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहा है। चलिए इस पर आज की बहस शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। आदिवासी नेताओं ने प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग कर दी है। ये मांग बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय और राम विचार नेताम ने उठाई है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह से कोई मांग उठी हो। इससे पहले भी दोनों ही नेता आदिवासी नेतृत्व की मांग उठा चुके हैं। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस में भी कुछ नेता आदिवासी नेतृत्व की मांग उठा चुके हैं, लेकिन अब इसी मांग को लेकर भाजपा नेता नंद कुमार साय ने अपने निवास पर पार्टी के कुछ नेताओं के साथ ही समाज के लोगों के साथ एक मीटिंग भी कर ली है। जानकारी के मुताबिक साय ने मीटिंग में ये बात कही कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल राज्य है, ऐसे में राज्य का नेतृत्व आदिवासियों के हाथ में होना चाहिए। हालांकि साय और नेताम के इस बयान से डॉक्टर रमन सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, कोई विषय चर्चा में कोई चाहता है तो अपने अब चर्चा का विषय क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, ये अभी मेरी जानकारी में नहीं है। पूरी जानकारी होगी तो मैं बात। ये प्रदेश देखिए, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है और वो अपनी बात रखना अच्छी बात है। इधर कांग्रेस आदिवासी एक्सप्रेस को भाजपा का आंतरिक मामला बता रही है।
पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार है। कांग्रेस के शासन में आदिवासियों को पूरा मान और सम्मान है। सत्ताधारी दल के मुताबिक बीजेपी अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है। देखिए, कोई नेता नहीं कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों का ख्याल रख रहे हैं और कहीं ना कहीं माननीय भूपेश बघेल साहब छत्तीसगढ़ के जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के आदिवासी नेता नंद कुमार साय के घर में बेहद ही गोपनीय बैठक थी, जिसकी जानकारी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं थी। बैठक में कुल 14 बिंदुओं पर चर्चा हुई। बहरहाल, बैठक और बयानों के बीच भविष्य में परिणाम क्या निकलेगा इसका तो पता नहीं, लेकिन वर्तमान में सियासी हड़कंप जरूर मच गया है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से आशीष तिवारी के साथ वैभव शिव पांडे की रिपोर्ट। तो फिर चली आदिवासी एक्सप्रेस। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता रमेश बलियानी जी हैं। बलियानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता सीचंद सुंदरानी जी हैं। सुंदरानी जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी और के अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। आप दोनों लोगों का भी स्वागत है। सबसे पहले बलियानी जी, आपसे इनके सुंदरानी जी के पास तो खोने को कुछ नहीं है। देखिए, फिलहाल अभी 3 साल, ऐसी स्थिति में जो आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठी है वो आप लोगों को परेशानी में डाल देगी और डाल सकती है, तो ये क्या साजिशन ये तो नहीं कर रहे हैं आप लोगों के खिलाफ? बलियानी जी, ऐसा नहीं है त्रिपाठी जी, जी ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक संघर्ष है जी, तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी ने तो पहला मुख्यमंत्री ही आदिवासी दिया था जी, अजीत जोगी के रूप में जी। वो आगे चल के उनका जाति संबंधी विवाद आ गया, वो अलग बात है जी, लेकिन जब हमने मुख्यमंत्री बनाया था तब आदिवासी समझ के ही बनाया था जी जी जी। और कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ चुनौती नहीं है कि आदिवासी मुख्यमंत्री चाहिए, हाँ। कि आदिवासियों के हितों का रक्षक मुख्यमंत्री चाहिए। छत्तीसगढ़ में अभी जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, जी वो आदिवासी हितों के रक्षक मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं जी, लेकिन दोनों का उदाहरण ये है दोनों से नहीं। पूरी बात सुन लीजिए जी, जी जी पूरी बात जी सुना। उन्होंने आदिवासियों के कल्याण के लिए क्या काम किए हैं जी, ये मैं बताना चाहता हूं कि वहां जो लघु वन उपस्थित, जो आदिवासियों का मुख्य आधार है जीवन का जी, वो 7 लघु वन उपज को पहले खरीदते थे, अब वो 52 लघु वन उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे जी। तेंदूपत्ता की तोड़ाई दर 2500 रुपए से बढ़ाकर हमने 4000 कर दी। वहां एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बोधगार की सिंचाई परियोजना ला रहे हैं जी। लोहांडी गुड़ा की जमीन जो टाटा स्टील को दी गई थी, उसको रमन सरकार ने लैंड पूल में रखा था, वो हमने आदिवासियों को लौटा दी। और बस्तर विकास प्राधिकरण और सर्दियों विकास प्राधिकरण में उस समय डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री अध्यक्ष थे, हमने आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है ताकि वहां की योजनाएं उन लोग बनाए। और जो एम्प्लॉयमेंट है, एक कनिष्ठ चयन आयोग बनाया है बस्तर सरगुजा के लिए, जो एम्प्लॉयमेंट में लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। लेकिन साहब, तो सवाल है आदिवासियों के हितों की चिंता वाला मुख्यमंत्री है बलियानी साहब, इसलिए हमारे ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं है। पड़ेगा पड़ेगा, देखिए आपके लिए मैंने इतना काम किया ये अलग मुद्दा है, लेकिन हम खुद बन जाए ये अलग मुद्दा है। देखिए, और ये समय समय पे आपने अजीत जोगी जी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन आपको भी ध्यान होगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था 1993 में, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बन रहे थे तो यही अजीत जोगी जी के अगुवाई में सारे आदिवासी विधायक श्यामला हिल्स पे धरने पे बैठे थे, फिर किसी कारण फिर उनको समझाया बुझाया गया। तो देखिए, सत्ता पक्ष में आप हैं, आपके यहां आवाज उठने लगेगी तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न केवल आदिवासियों के वरन अनुसूचित जाति के, ओबीसी के और सामान्य सर्व समाज को लेकर चल रहे हैं, इसलिए ऐसी स्थिति नहीं आएगी जी। जी, आज सवाल है आदिवासियों के हितों की रक्षा कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं जी, ये आदिवासी समझते हैं
और आदिवासी नेतृत्व की भी समझते हैं। हमने आदिवासियों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया, निगम मंडल में स्थान दिया, प्रशासन में स्थान दिया है। क्यों ऐसी जनता पार्टी की आंतरिक लड़ाई है। रमन सिंह जी ने भी दिया था 15 साल इन लोगों ने 15 साल में न नंद कुमार साय को स्थान मिला, न ननकी राम को मिला, न रामविलास को मिला। आप उनसे पूछ लीजिए कि रमन सिंह जी के कार्यकाल में आदिवासियों की क्या स्थिति थी। राम विशाल नेताम गृह मंत्री भी रहे हैं साहब, तो सही स्थिति मालूम पड़ जाएगी। गृह मंत्री भी रहे हैं राम विशाल नेताम। मंत्री होना त्रिपाठी, मंत्री होना अलग बात है, मंत्री के अधिकारों का प्रयोग करना अलग बात है। एक लॉलीपॉप के रूप में दे दिए मंत्री पद, बाकी आदेश तो सीएम हाउस से ही निकलते थे रमन सिंह जी के यहां से। सारी सत्ता केंद्र थी। चलिए नौकर शाह थे ये। सुंदरानी से पूछ लेते हैं। सुंदरानी साहब, सत्ताधारी दल का अच्छे से विरोध नहीं कर पा रहे थे, ये साजिशन आप लोगों ने तो नहीं करवाया। ये एक बात कि आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग तो उधर कुछ आपके यहां तो कुछ होना नहीं अभी 3 साल। खैर, अगर आदिवासी मुख्यमंत्री देखिए, एक मिनट सवाल और सुन लीजिए। दूसरा सवाल ये भी है पहला तो ये है, दूसरा सवाल ये भी है कि बात भी सही है, आप 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, चेहरा रहे रमन सिंह जी, सामान्य से आदिवासियों को जैसा बता रहे कि पूछा नहीं गया, और उसके बाद भी अभी जब विपक्ष में है तो भी सत्ता मैंने जो पार्टी की कुंजी है इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है, तो ऐसे में आदिवासी जो नेता है उनके अंदर का जो तूफान उठ रहा है वो बाहर निकल करके आ गया है। देखिए, निश्चित रूप से त्रिपाठी जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं वल्यानी जी को सुन रहा था जी, बहुत काम किया है ऐसा बता रहे थे वल्यानी जी। जी, नक्सलियों के मुठभेड़ में गांव के आदिवासी मारे जा रहे नक्सल क्षेत्र में जी, जेलों में बंद जितने आदिवासी हैं इनको छोड़ने की बात इन्होंने की थी, नक्सल आरोप में जितने लोग बंद हैं जी, 2 साल इनके निकल गए। तेंदू पत्ता तोड़ने वालों की बात वरलियानी जी कह रहे थे कि 4100 रुपए मानक बोरा दे रहे हैं जी, हम 2500 रुपए बोरी देते थे लेकिन बोनस का पैसा देते थे, लाभांश का पैसा देते थे, और तो और बच्चों की शिक्षा के लिए पूरा खर्च वहन करते थे। ये सारे इन्होंने बंद कर दिए और 4100 का ढिंढोरा पीटते। हम तो 4100 से ज्यादा देते थे, चरण पादुका भी देते थे तेंदू पत्ता तोड़ने वालों को। जो सुविधाएं हम आदिवासियों को देते थे ये कभी दे भी नहीं सकते जी। रहा सवाल हमारे आदरणीय नंद कुमार साय जी की, जो बैठक हुई है जी, और आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए इसकी बात उन्होंने अगर की है जी, तो भारतीय जनता पार्टी में प्रजातंत्र है, कोई भी एक कार्यकर्ता अपने आप को किसी भी पद का दावेदार बता सकता है। चुनाव 3 साल बाद होना है, व्यक्तिगत नहीं कहा गया है, सारी बातें तय होती है। सुंदरानी जी, व्यक्तिगत आपने कहा, प्रजातंत्र में कोई भी अपना अधिकार रखता है कह सकता है, ये व्यक्तिगत नहीं, ये दूसरी तरह की बात है, ये अभी चिंगारी मत समझिए, ये आग है, आग आदिवासियों की मुख्यमंत्री, उस दौरान आदिवासी को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा जी। त्रिपाठी जी, आदिवासी समाज के जितने नेता अगर एकत्रित होकर उन्होंने सामूहिक रूप से भी बात की है तो प्रजातंत्र में हर वर्ग को जी, हर समाज के व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है जी। भारतीय जनता पार्टी में इस बात की छूट है कि कोई अपनी बात, अपने समाज की बात, अपने समूह की बात रखे, लेकिन निर्णय तो पार्टी फोरम में होगा। और आदिवासी समाज हमेशा छत्तीसगढ़ की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहा है जी। रहा सवाल राम विचार नेताम जी के बारे में, अभी वल्यानी जी कह रहे थे या ननकी राम कंवर जी के बारे में कह रहे थे, तो दोनों ननकी राम कंवर जी भी गृह मंत्री रहे हैं जी, और राम विचार नेताम जी भी गृह मंत्री रहे हैं।
और ये अधिकार की बात कर रहे थे तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने तो हमेशा पूरे मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को अधिकार दिया। अधिकार नहीं है मंत्रियों के पास तो सिर्फ भूपेश बघेल जी की सरकार में नहीं है जी। कोई निर्णय नहीं कर सकते, एक गृह मंत्री एक एसपी का ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये आपको कैसे मालूम पड़ा सुंदरानी साहब कि कोई मंत्री निर्णय नहीं ले सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते? मुझे पता है, मेरी भी चर्चा होती है जी, मेरी भी चर्चा होती है, मेरे भी बहुत सारे कांग्रेस के मित्र हैं जी। वही तो बल्याणी जी के भी आपके यहाँ जो मंत्री रहे हैं बात होती रही है। आप टीएससी बाबा को देखें आप जी, और उनके बयान को सुने जी, गृह मंत्री जी के बयान को सुने और मुख्यमंत्री के बयान को सुने। मुख्यमंत्री कहते हैं कि रोजगार के बहुत सारे अवसर हमने उपलब्ध करा दिए। गृह मंत्री कहते हैं कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है लॉकडाउन और कोरोना के चलते, इसलिए यहाँ पे अपराध बढ़ रहे। चलिए, आपने मतलब साजिशन नहीं किया, भिन्नता तो इनके घरों में है। मतलब ये जो आदिवासी मुख्यमंत्री की असल में डिमांड आपने करवाई है वो बल्याणी जी को परेशान करने के लिए करवाई है क्या? सुंदरानी जी कम से कम एक्सेप्ट कर लीजिए अभी ये बात। नहीं नहीं, हम देखिए, हमारे पार्टी के नेताओं को कांग्रेस से क्या लेना देना जी। सही बात है, आपको लेना देना है। हड़बड़ा कांग्रेस गई है, नेता हमारे मीटिंग कर रहे, परेशान कांग्रेस के लोग हो रहे। वही तो है, साजिशन आपने किया है। हम कहीं परेशान नहीं है त्रिपाठी जी। जी चले, बाबूलाल जी से पूछ लेते हैं, परेशान कौन है? नहीं, परेशान नहीं होते तो आप भाग। जी जी बोलिए बोलिए सुंदरानी साहब। भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला बोल रहे जी। अगर भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला तो आपके मामले आपको सफाई दे रहे नहीं। बल्याणी जी आपको आपके घर की परेशानी, आदरणीय त्रिपाठी जी बल्याणी जी को आगे आके सफाई देने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि आदिवासियों के हितों के लिए? नहीं, सफाई नहीं दे रहे तो डिबेट में आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, आदिवासियों का विकास करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, ये बात अभी बल्याणी जी ने कही है। वही तो है, आपने भी यही कहा कि आदिवासियों का विकास रमन सिंह जी ने कहा, वो कह रहे हैं भूपेश जी ने कहा। हालांकि बल्याणी से भी सवाल करेंगे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रहते हुए बल्याणी जी का सुनिए जी, त्रिपाठी जी, बल्याणी जी ने कहा आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, आदिवासियों का भला करने वाला मुख्यमंत्री। ऐसा नहीं कहा जी, ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा आदिवासियों का भला सब कर रहे हैं। हमने तो लेकिन सुंदरानी ने तो पहला मुख्यमंत्री आदिवासी दिया था। चलिए, वो कैसे दे दिया था आपने बल्याणी जी? आप दूसरा मुख्यमंत्री हमारे बल्याणी जी, आप कैसे उसको आदिवासी मानते हो? आप कैसे दे दिए? 80 में शिवभान सिंह सोलंकी के साथ विधायकों की संख्या ज्यादा थी, आपने उनको दरकिनार कर दिया। 93 में 85 में तो खैर छोड़िए, कभी नहीं दिया। 93 में तो सबसे ज्यादा आदिवासी विधायक थे कांग्रेस के पास, जब सरकार बनी है तब आपने आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं दिया। 2000 में तो सोनिया जी का वीटो पावर था, इसलिए आपने दे दिया, और आदिवासी, और आप ही लोग बोल रहे हैं कि आदिवासी नहीं है ये। ऐसे में ये मत गिनाइए बल्याणी जी, 1952 से आज तक बता दीजिए कि कांग्रेस का शासन जी हम आदिवासी मुख्यमंत्री दे दिए आपने। त्रिपाठी जी, जी अजीत जोगी जी को आदिवासी समझ के ही मुख्यमंत्री बनाया था। जाति वाला विवाद तो इन्होंने ही खड़ा किया, तब बाद में मालूम पड़ा कि वो आदिवासी नहीं थे। और सबसे बड़े नेता हमारे थे महेंद्र कर्मा जी, महेंद्र कर्मा हमारे सीएम के दावेदार थे जी, और आदिवासी नेता थे देश के लिए, उनको बस्तर टाइगर कहा जाता है। उनको तो रमन सिंह की सरकार ने झीरम घाटी में हत्या करवा दी उनकी। ये क्या बात करेंगे बीजेपी वाले, झीरम घाटी में पहली नेता की हत्या करवा दी। कर रहे हैं बल्याणी जी आप मर्यादा और क्या हार जाके बात कर रहे हैं बल्याणी? कितनी लापरवाही थी, लापरवाही कितनी थी रमन सिंह जी ने? अरे आप क्यों नहीं हत्यारों को पकड़े हो, क्यों नहीं झीरम घाटी के सबूत लेके? आपके मुख्यमंत्री झीरम घाटी के सबूत लेके घूम रहे थे, क्यों नहीं आपने लाया उस सबूतों के सामने?
अरे सुन तो लीजिए, हत्या करवा दी मतलब प्रश्न। तो कहूंगा रमन सिंह जी ने मुख्य डॉक्टर रमन सिंह ने स्वीकार किया है, उठाना ही नहीं चाहती। डॉक्टर रमन सिंह ने स्वीकार किया है कि प्रशासनिक चूक हो गई। डॉक्टर रमन सिंह अडवाणी जी के लिए पुलिस घटना से पर्दा उठा लीजिए। अडवाणी जी के लिए 3,000 पुलिस बघेल घाटी के हमारे 30 पुलिस कार्रवाई की है। जीरम घाटी के घटना से कांग्रेस पार्टी पर्दा उठाने सुन तो लीजिए। डॉक्टर रमन सिंह जी ने खुद कहा था कि प्रशासनिक चूक हुई है। डॉक्टर यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री की सभापति मुद्दा मुद्दा आदिवासी मुख्यमंत्री की बात हो रही थी, आदिवासी मुख्यमंत्री की बात हो रही थी, आपने बनाया। सुनिए जीएम घाटी चले गए, शर्मा जी से पूछ लेते हैं, बनाया राहुल गांधी सुंदरानी साहब, सुंदरानी साहब, और फिर 2 साल से आपकी सरकार है। सुंदरानी साहब देखिए, बरलियानी जी ना आपने 1952 लगे हुए हैं जीरम घाटी का कारण खोजने के लिए, सुंदरानी साहब ना आपने मुख्यमंत्री बनाया कोई। शर्मा जी ये जो भी मांग उठाना चाहते जीरम घाटी, चले शर्मा जी जो भी मांग उठी है भले ही परोक्ष रूप से उठी हो लेकिन ये आने वाले समय में प्रत्यक्ष दिखेगा। ये क्या बीजेपी का अंदरूनी मामला है या फिर ये पूरी राजनीति छत्तीसगढ़ की राजनीति को बदलने वाली आवाज है? शर्मा जी देखिए इसमें दो धाराएं हैं जी। एक तो ये भूपेश बघेल की सरकार को कोई चुनौती है ऐसी बात मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये मामला कांग्रेस का नहीं है जी। कांग्रेस का इस वक्त नेतृत्व ही एक आदिवासी कर रहा है अध्यक्ष के रूप में जी। ये मामला भाजपा का ही है जी, और आंतरिक मामला है निश्चित रूप से। जो है मैं आपको एक दिशा बता रहा हूं जी कि डॉक्टर रमन सिंह आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का अकेला चेहरा है जी। ये दूसरा चेहरा कोई बना नहीं है अभी तक के जी, और जो बनने की कोशिश किया वो किनारे कर दिया गया। ये इतिहास बता रहा है जी। सोहन कोटाई एक नाम है, इसको वो ज्यादा नेतृत्व उसका उठ रहा था तो उसको किनारे कर दिया। नंद कुमार साय को कैसे किनारा किया गया सबको मालूम है जी। राम विचार नेताम को एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई थी कि वो तो हाईकमान ने संभाल लिया उनको, नहीं तो वो भी निपट गए थे। ननकी राम कंवर को तो मंत्रिमंडल से हटा दिया था, आपको सबको याद होगा जी, याद है। ये मामला वास्तव में इनका आंतरिक मामला है कि डॉक्टर रमन सिंह का चेहरे के सामने एक नेतृत्व खड़ा होना जरूरी है, और आदिवासी मांग इसलिए हुई है। मैं आपको बता दूं जो मेरी समझ बनी है जी। अभी कुछ दिनों से जो है जब से पुरेंद्रश्वरी जो यहाँ पर प्रभारी बन के आई है तो लोगों को लगने लगा है कि कोई महिला नेतृत्व यहाँ पर उभारने का प्रयास रमन सिंह के सामने होगा जी। और ऐसे सरोज पांडे के जो बयान आ रहे हैं, जिस तरीके के तीखे तीखे बयान आ रहे हैं, उससे लोगों को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं सरोज पांडे को नेतृत्व के रूप में उभारने का प्रयास प्रदेश में है जी। और उसका एक छोटा प्रमाण अभी और मिला जी। कि प्रेम प्रकाश पांडे और विजय बघेल जैसे बड़े कद्दावर कद के नेता, जो विजय बघेल आज सांसद है वहां पे, प्रेम प्रकाश पांडे पूर्व मंत्री है, दुर्ग और भिलाई में सरोज पांडे की पसंद को तवज्जो दी गई जी। अध्यक्ष और महासचिव के रूप में ये भी एक दिशा दिख रही है कि हाईकमान कहीं ना कहीं कोई एक नेतृत्व खड़ा करना चाहता है, उसमें हो सकता है कि वो सरोज पांडे हो, मैं कंफर्म नहीं कहता जी। इस बात को देख करके कि रमन सिंह के चेहरे के सामने कोई चेहरा खड़े करने का समय आ गया है ऐसा लगने लगा, तो नंद कुमार साय ने और राम विचार नेताम ने मिलकर के आदिवासी नेतृत्व की मांग कर दी है। और उसमें नेतृत्व डॉक्टर रमन के सामने कोई महिला नेतृत्व नहीं, आदिवासी नेतृत्व खड़ा होना चाहिए, ये प्रश्न पद है। हालांकि मुख्यमंत्री बनने की बात की गई है, अभी तो न सूत न कपास न जुलाहे में लठम लट्ठा, अभी तो कोई है नहीं चुनाव जी। लेकिन इसीलिए जो है यही कारण है कि लोगों को लग रहा है ये प्रश्न जो है भूपेश बघेल की सरकार के सामने खड़ा किया गया है। ऐसा नहीं है जी। ऐसा ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के आंतरिक गुटबाजी के संदर्भ में ये मामला सामने आया है जो मुझे समझ में आया। और एक बात और मैं बताऊं, ये कटु सत्य है जी। राष्ट्रीय राजनीति में भी आप देख लीजिए, कार्तिक उरांव के बाद जिसको नेहरू जी ने विदेश से लेके आए थे, पढ़ा लिखा पहला आदिवासी, उसको उसके बाद उनके मृत्यु के बाद कोई भी आदिवासी नेतृत्व जो है राष्ट्रीय रूप में खड़ा नहीं हो पाया जी। लंबे समय तक जगजीवन राम जी जो है वो इस कौम के नेतृत्व करते रहे केंद्र के अंदर में, और बाद में बहुत दिनों के बाद अरविंद नेताम नेतृत्व बन के उभरा। अरविंद नेताम के क्या हालात हुए आप देख लीजिए,
इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो है ये कड़वा सत्य है कि आदिवासी नेतृत्व को ऊंचा उठने नहीं दिया जा रहा है, ये बात महसूस कर रही है आदिवासी कौम। इसलिए जो है ये आदिवासी नेतृत्व के लिए एक कुलबुलाहट बहुत लंबे समय से चल रही है। कांग्रेस इस बात से बचने के लिए पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दे करके, भले वो जैसा भी आदिवासी था, आदिवासी मुख्यमंत्री हमने दिया और दूसरा मुख्यमंत्री हमने, देखिए आदिवासी 32% है और ओबीसी 50% के ऊपर है, पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया, दूसरा मुख्यमंत्री हमने ओबीसी से दिया, ये कहने के लायक अपना ये बना लिया इन्होंने रास्ता, ये है मूल बात। इसलिए मुझे लगता है कि डॉक्टर रमन सिंह के अकेले चेहरे के सामने कुछ चेहरे खड़े करने का प्रयास जो है वो हो रहा है, भाजपा के आंतरिक मामला है। देखिए जहां तक इसका मामला है, जब बात आती है मुख्यमंत्री की शर्मा जी, तो आप इतिहास में जाएं तो बड़े बड़े आदिवासी नेता जब अर्जुन सिंह जी को बनाना था, अर्जुन सिंह ने उनको साइड लाइन किया, तेजलाल टैबरे हो, झुमुक लाल भेड़िया हो, अरविंद नेताम हो, यहां तक कि दिलीप सिंह भूरिया जो झाबुआ से थे, ये सब कैसे जी प्यारे लाल कंवर जी तो यहाँ उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, फिर वहां भी पहुंच गए तो वो भी रहे हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े आदिवासी नेता बीजेपी के पास नहीं थे, कांग्रेस के पास थे, ये सब कहां चले गए? एक बार कैबिनेट में थे, उसके बाद गायब हो गए। दिलीप सिंह भूरिया को मजबूरन छोड़ना पड़ा, बीजेपी में जाना पड़ा, आपके अरविंद नेताम भी गए थे। तो ऐसी स्थिति में देखिए आदिवासी, जब भी आपको ध्यान हो शिवान सिंह सोलंकी के पास ज्यादा विधायक थे, अर्जुन सिंह के पास कम थे, उसके बाद शिवान सिंह सोलंकी को साइड कर दिया गया, जबकि उनके साथ विद्याचरण शुक्ला जैसे लोग थे कि शिवान सिंह सोलंकी को बनाया जाए। तो जब सही हो रहे हैं, और एक बार पैरेलल कवर को भी बनाने की बात आई थी, ये बहुत तेजी से उभरी थी जी, उनसे काटा गया था, ये बात बिल्कुल सही है, कड़वा सत्य है। मैं बताया ना कि राष्ट्रीय राजनीति से लेकर के यहाँ की राजनीति तक जो है एक कद तक के जो है आदिवासी नेतृत्व को उभरने दिया जाता है। पैरेलल कवर को तो लोकायुक्त में फंसा दिया गया, उनका टिकट कट गया, मढ़ोताल घोटाला हो गया जबलपुर में, उसमें पैरेलल कवर तो उसमें फंस गए। तो खैर ये जब बात आती है तो, लेकिन अब राजनीति बदल रही है शर्मा जी, अब आदिवासी पहले से ज्यादा राजनीतिक मामलों में चतुर और चलाक हो रहा है। अगर डिमांड हुई है तो ये बहुत दूर तक जाएगी, और इस डिमांड के तहत क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी अभी 13-14 में सिमटी है, इस तरह अगर हुई तो 2-3 गुट और हो जाएंगे जो बीजेपी के लिए घातक होगा 2023 में? बाबूलाल जी हो गया, मैं तो अभी अभी कह रहा था दुर्ग भिलाई के नेतृत्व में देखिए ना जी, प्रेम प्रकाश पांडे ग्रुप, विजय बघेल का नया ग्रुप और सरोज पांडे का ग्रुप, 3 गुट तो वहां हो गए, और प्रदेश स्तर पे जो है डॉक्टर रमन सिंह का एक बड़ा गुट है और उसके अगेंस्ट में एक गुट है जो उभर नहीं पा रहा है जी। जिस दिन वो अपना सर उठा लेगा तो रमन सिंह के नेतृत्व को एक चुनौती मिलेगी, ऐसा सोच जो है इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर में चल रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है। और पुरेंद्र सिंह जी का जो रुख दिख रहा है वो रुख भी जो है कुछ इसी तरह का है कि कोई परिवर्तन हो, जो माहौल है आज प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का, नेतृत्व के विषय हो चाहे कोई विषय हो, उसमें कोई ना कोई परिवर्तन चाहिए, तो कोई बदलाव दिखेगा तभी भाजपा जो है वो खड़े होगी, कार्यकर्ता में उत्साह आएगा। अगर एज इट इज रहेगा तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, ऐसी सोच जो है कहीं ना कहीं हाईकमान की भाजपा की बनी है, यही कारण है कि कुछ खलबलाहट आज जो दिखाई दे रही है। चलिए सुधारण जी, कितना सहमत है शर्मा जी की बातों से? थोड़ा बहुत तो सहमत है। नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय लेगी कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ रहेगी, यहाँ के प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का जिसके साथ सहयोग होगा, और फिर चुनाव होने जाने दीजिए, विधायक दल निर्णय करेगा। आज उसकी 3 साल चुनाव में पड़े हैं और निश्चित रूप से हम अगली सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन औपचारिकताएं तो तभी पूरी होगी जब विधायक दल पूरी तरह से बहुमत में आकर नेता का चयन करेगा। लेकिन सुंदरानी जी देखिए, अन्याय तो हुआ है। सामान्य तौर पे नेता प्रतिपक्ष जो रहता है वो मुख्यमंत्री का दावेदार रहता है या प्रदेश अध्यक्ष हो जाता है। आपके 2000 से 2003 तक नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय जी थे, उनको आप लोगों ने ऐसा एकदम से साइड किया कि वो बेचारे कहीं उसके बाद सामने नहीं आ पाए। वो स्थिति यहाँ बल्याणी जी के यहाँ भी है,
बल्लारी जी, आपने भी नेता प्रतिपक्ष को साइड कर दिया। खैर, दिक्कत आपको लगता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री साइड नहीं किया है आज? जी 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 जी, आज मोहन मरकाम जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, और कांग्रेस पार्टी को आदिवासियों का पूरा पूरा समर्थन है। बस्तर की सारी सीटें हमको आदिवासियों ने दी, कांग्रेस पार्टी को सरगुजा की सारी सीटें हमको मिली है, सारे आदिवासी बहुत सीटें हमको मिली हुई है। तो भूपेश बघेल जी तो 15 साल राज करने वाले हैं, 3 साल बाबा का क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भूल जाए कि उनको मौका मिलने वाला है। जो भूपेश बघेल जी जमीनी राजनीति कर रहे हैं ना, समाज के हर वर्ग में पहुंच बनाई है, और ये लंबा लंबा राज करने वाले हैं 15 साल कार्यक्रमों के आधार पर और सबको लेकर चलने की नीति के आधार पर। 15 साल में क्यों समेट दिया, 20 साल क्यों नहीं किया करेंगे? 15 साल के तो अभी तो 15 साल की गारंटी मैं ले रहा हूँ, बाकी उसके बाद वो काम देखेंगे, नंबर कम हो जाएंगे। 15 साल में बेड़ा गर्क कर दिया प्रदेश का, नंबर कम हो जाएंगे। बल्लानी जी आपको अनंत काल बोलिए। ऐसा है जी, अनंत काल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस ढंग के कार्यक्रम भूपेश बघेल जी चला रहे हैं जी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं जी, सामाजिक समरसता का माहौल बना रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम उनको यहाँ की जनता आने वाला दो कार्यकाल और देगी। 40,000 करोड़ का कर्जा, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मौका नहीं है। चलिए समय समाप्त हो रहा है ज्योति जी, कर्जा तो 18 महीने में 40,000 करोड़ चलिए लिया। चलिए सर, कर्जा लिया नहीं लिया ऐसा है, मोदी जी देश की संपत्ति बेच रहे हैं। चलिए हम तो कर्जा ले रहे हैं। चलिए समय समाप्त हो गया, नहीं बेच रहे हैं, समय समाप्त हो गया। ज्योति जी आपकी संक्षिप्त टिप्पणी, इस मुद्दे में मांग उठी है तो दूर तक जाएगी। त्रिपाठी पहली बार मांग नहीं उठी, पहले कांग्रेस में उठती रही या बीजेपी में उठी? 1980 का जिक्र किया जी, वाकई में विद्याचरण जी शुक्ल के समर्थन में बहुत सारे विधायक थे, सुभाष सिंह सोलंकी के साथ उनके समर्थक, विद्याचरण जी शुक्ल जी के समर्थक बहुत सारे जी, सुभाष सिंह सोलंकी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, ऐसे कई मौके आए। आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी नेतृत्व की बात उठी, और छत्तीसगढ़ में तो स्वाभाविक रूप से ये और पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अजीत जोगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद जो बल्लानी जी कह रहे हैं, तो वाकई वो एक फर्जीवाड़े के रूप में बाद में सामने आया। हालांकि जिस तरह की मांग उठ रही है, मैं बाबूलाल शर्मा जी से पूरी तरह सहमत हूँ, जिस तरह की मांग उठ रही है वो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति के तहत वो मांग उठ रही है। जिस तरह का विश्लेषण शर्मा जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, हालांकि सुंदरानी जी उससे सहमत नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये मांग उचित समय पर है और अभी समय है ताकि उस मांग को और आगे लेकर के आदिवासी प्रोजेक्ट भी कर सकते, नेतृत्व है वो लेकर के जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरानी जी आपका, बल्लानी जी आपका, बाबूलाल जी आपका, हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग फिर उठी है और ये मांग बीजेपी के दिग्गज आदिवासी नेताओं ने उठाई है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब विधानसभा चुनाव में 3 साल का समय शेष है, वहीं प्रदेश में अभी कांग्रेस की सत्ता है और पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है, ऐसे में बीजेपी की ओर से इस तरह की मांग का उठना और पार्टी के ही तमाम वरिष्ठ नेताओं का इस बात को लेकर किनारा करना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि प्रदेश भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ बड़े नेता कोई बैठक कर ले और अन्य बड़े नेताओं को उसकी भनक तक टपके। खैर, छत्तीसगढ़ के बाद बात आज के दूसरे मुद्दे की करते हैं जो वंशवाद की बंसी से जुड़ा है, और सवाल सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी को लेकर नहीं बल्कि उन सभी दलों को लेकर है जो वंशवाद की राजनीति को आगे बढ़ाते ही चले जा रहे हैं।